पिछले लेक्चर्स में हमने देखा किस तरीके से हमने एनिमेशन बनाना सीखी, हमने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, और हमने इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया कि किस तरह से आप एक छोटे छोटे पार्ट, छोटी छोटी एनिमेशंस, वो सारे एलिमेंट्स कंबाइन होके किस तरीके से एक फ़ाइनल शक्ल में जाते हैं, एक फ़ाइनल कंपोजिशन में जाते हैं। तो यही बेसिकली आपका प्रोसीजर होता है, और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते भी आ रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस कोर्स के एंड में एक ऐसे प्रोजेक्ट्स भी दिखाएं जिस पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये सारी चीज़ें किस तरीके से यूटिलाइज हो रही हैं। इस लेक्चर में भी हम जो बात करेंगे वो हम एनिमेशन को लूप करने की बात करेंगे, किस तरीके से आप उसको लूप कर सकते हैं और किन किन जगहों पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो एनिमेशन को लूप करने के लिए हम यहाँ पर इनिशियली एक शेप से ही हम काम चलाते हैं, इस वक्त शेप बना लेते हैं और उसको एनिमेशन दे के फिर हम उसको लूप करेंगे। मैं यहाँ से कुछ ऐसी शेप बनाता हूँ कि जो आप समझ सकें कि जिसको हम लूप कर सकें। एक तो मैंने एक सर्कल बना लिया, साथ में मैं एक इसके साथ एक पेंडुलम के लिए मैं इस पर थोड़ा सा, मैं बेशक एक अलग लेयर सिलेक्ट कर लूँ ताकि मैं उसको बाद में मॉडिफाई कर सकूँ। अलग लेयर सिलेक्ट करने के लिए जस्ट मैंने इस लेयर को डी सिलेक्ट किया, डी सिलेक्ट मैंने जस्ट यहाँ पर क्लिक किया और मेरे पास अब मैं जो ड्रॉ करूँगा वो मेरे पास न्यू लेयर में चीज़ आ जाएगी। अगर करंट मेरे पास लेयर सिलेक्ट होती तो वो दोनों चीज़ें उसके साथ ही कंबाइन हो जाती, तो शायद मुझे उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो जस्ट अभी हम इसको चाहें तो एडजस्ट कर लें थोड़ा सा, और स्ट्रोक्स मैं इसके इस वक्त फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। इस लेयर को भी सिलेक्ट करके इसके स्ट्रोक्स हम ऑफ़ कर देते हैं ताकि और इसको हम छोटा कर सकते हैं। इसको हम इसके नीचे रख लेते हैं ताकि हमारे पास जो पेंडुलम के लिए हमारे पास ये इसके पीछे बैकग्राउंड में शो हो। और फर्दर हम क्या करते हैं, हमें इसको अब मूव करना है, पेंडुलम की तरह इसको रोटेट करना है। अगर मैं इसको अभी यहाँ पर रोटेट करके देखूँ तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास इस तरह से मूव हो रहा है, और जो दूसरी शेप है जो मेन हमारा इस वक्त होगा ये वाली शेप, रोटेट यहाँ से ऑन करके तो ये एक इस तरह से रोटेट हो रही है। इसको ऊपर से रोटेट करने के लिए हमें इसका एंकर पॉइंट चेंज करना होगा जो कि इस वक्त इसके सेंटर में है, और एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए मैं इसको यहाँ से एंकर पॉइंट मैंने ये टूल सेलेक्ट किया, और फर्दर मैं इसको इसके बिल्कुल टॉप एज पे मूव कर देता हूँ। अब मैं इसको जो रोटेट करूँगा आप देख सकते हैं वो ऊपर जहाँ पर एंकर पॉइंट था उस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि साथ में ये जो सर्कल है ये भी साथ में मूव हो, दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और इसको हम प्री कंपोज कर लेंगे इस तरह से। प्री कंपोज 1 बाय डिफ़ॉल्ट इसने दे दिया, और अब मेरे पास ये दोनों बेसिकली एक सब कंपोजिशन बन चुकी है जो कि मैं इसको इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ। अब इसका भी एंकर पॉइंट मैं यहाँ पर चेंज कर लूँ, और हमने इसको इस एक्सिस पे रोटेट करना है यहाँ से। अब मैं इसको अगर रोटेट करूंगा तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपके पास रोटेट होगा। तो एंकर पॉइंट हमने इस वक्त चेंज कर लिया क्योंकि हमारे पास दो शेप्स मिलके हमने इसको एक कंपोजिशन में कर लिया था, और अगर हमने उसको वहीं से एनिमेट करना था तो जो एंकर पॉइंट उसके थ्रू भी हम एनिमेट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता कि आपके पास दोनों शेप्स जो आपने बनाई हैं वो एक ही सिंगल लेयर पे आपके पास मौजूद होती। इस वक्त मेरे पास जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पर है और इस एक्सिस पे मैं रोटेट करूँगा। अगेन आप देख सकते हैं कि अगर एंकर पॉइंट मैंने यहाँ पर मूव ना किया होता और ये यहाँ होता तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त वो इस सेंटर पॉइंट से इसको रोटेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमने अगर इसको मूवमेंट देनी थी पेंडुलम की, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा एंकर पॉइंट जो है उसके यहाँ पर टॉप पर इधर होगा, और एंकर पॉइंट मेरे पास यहाँ हो गया। मैं इसका पहला फ्रेम डिसाइड कर लूँ तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और हमने यहाँ पर 70 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया। की फ्रेम्स अपने ऑन करते हैं और 2 सेकंड बाद हम चाहते हैं कि ये हो जाए हमारे पास एग्जैक्टली इस तरफ। इसको हम यहाँ से -70 कर देंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास उतने ही फासले पर हो गया, और इस वक्त आपके पास अगेन 2 सेकंड बाद हम दोबारा 4 सेकंड पे जाते हैं, और पहला की फ्रेम क्योंकि दोबारा हमें उसी पोजीशन पे जाना है तो हमने उसको कॉपी पेस्ट किया।
इस वक्त आपके पास जो एनिमेशन है इस पॉइंट पे और फिर इस पॉइंट पे, और इस तरह हमारे पास एक ये एनिमेशन बन चुकी है और दो शेप लेयर्स को कंबाइन करके हमने प्री कंपोज किया और उसके बाद हमने इसको रोटेट कर दिया। अब इसको लूप करने के लिए मेरे पास यहाँ पर मुझे वर्क एरिया कम करना पड़ेगा और मैं के प्रेस करूँगा तो अपने की फ्रेम पे पहुँच जाऊँगा और इस की फ्रेम पे मैं जाऊँगा अपने वर्क एरिया को यहाँ पर लाने के लिए मैं एन प्रेस करूँगा। एक की फ्रेम हम इसको अंदर ट्रिम कर लेते हैं ताकि हमारे पास कोई ब्लैंक फ्रेम ना ऐड हो इसमें। इस पर राइट क्लिक करेंगे हम ट्रिम कंपोजिशन टू वर्क एरिया, जो ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया के नाम से है, इस पर क्लिक करेंगे और इस वक्त आपके पास जो आगे लूज एरिया था एनिमेशन के बाद वाला वो ख़त्म हो चुका है और आपकी पूरी कंपोजिशन जो है वो बेसिकली सिर्फ इन एनिमेशन के अंदर है। अब इसको हम लूप करने के लिए एक नई कंपोजिशन में लेके जाएंगे जो कि आप उसके अंदर कोई बैकग्राउंड कोई एनिमेशन ऑलरेडी मौजूद हो बेशक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास अभी इमेज है, मैं इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर लेता हूँ और इसको हम सेट कर लें बैकग्राउंड इमेज के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और कंपोजिशन टू पे हमने काम किया था जिसमें हमारी एनिमेशन है ऑलरेडी, इसको इस पर इम्पोर्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कलर इसका वाइट है, बैकग्राउंड भी वाइट है। इस स्टेज पे भी जाके हम इसके कलर चेंज कर सकते हैं। प्री कॉम्प को भी डबल क्लिक करेंगे और इनको सिलेक्ट करके आप कोई सा भी कलर कोई सॉलिड कलर रखना चाहें तो इस वक्त रख सकते हैं। इसको ओके करते हैं, यहाँ से आप इसको बेशक बंद कर दें और आपके पास कलर चेंज हो गया है। आप इस वक्त भी इसकी पोजीशन वगैरह अलाइनमेंट इसकी कहीं पर भी कर सकते हैं जहाँ पर आपने इसको अलाइन करना हो, क्योंकि आपके पास तो पूरा एक कंपोजिशन की सूरत में है और ये एनिमेशन आपके पास इस वक्त इतनी एनिमेशन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। फर्दर इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसमें हम जाएंगे टाइम एनेबल टाइम रीमैपिंग। फर्दर टाइम रीमैपिंग में हम एक्सप्रेशन ऐड करेंगे, ऑल्ट के साथ स्टॉपवॉच पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम एक्सप्रेशन में गए, हमारे पास प्रॉपर्टी लूप आउट ड्यूरेशन सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हम, जो कि आपके पास एक्सप्रेशन लग चुका है। फर्दर इसको लूप करने के लिए हम जस्ट इसका जो कंपोजिशन एरिया था इसको हम फर्दर एक्सपेंड कर देंगे और इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये एनिमेशन हमारी इस वक्त लूप हो चुकी है। जितनी आपकी टाइमलाइन होगी जितना आपका आप इसको एक्सपेंड करेंगे आप इसको कर सकते हैं। फर्दर ये जो आपके पास की फ्रेम्स थे अगर आप इनको भी अगर आप पास करेंगे तो इसकी स्पीड पे भी फ़र्क पड़ जाएगा। मे बी इसको मैं 2 सेकंड पे ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं इस वक्त के इसकी एनिमेशन जो है वो तेज़ हो गई हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये एनिमेशन जो है इस वक्त लूप इसका लग चुका है। लेकिन चलें इसको थोड़ा सा मज़ीद चेंज करते हैं, इसके जो की फ्रेम्स हैं उसमें हम इसकी स्पीड या फिर हम इस पर ईजी ईज़ ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये एनिमेशन में आपको जो नज़र आ रहा है इस वक्त वो थोड़ा सा आपको डिस्प्ले में बेहतर नज़र आएगा। इसके लिए हम इसके की फ्रेम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, जो कि ऑलरेडी उस पर करेंगे जहाँ पर हमने एनिमेशन क्रिएट की थी, ना कि जहाँ पर हमने एक्सप्रेशन लगाया था। और इस पर हम राइट क्लिक करेंगे की फ्रेम असिस्टेंट और इसको हम यहाँ से ईजी ईज़ इस पर अप्लाई कर देते हैं। और ईजी ईज़ के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है और आपको पेंडुलम की इसमें मूवमेंट नज़र आ रही है। फर्दर चाहें तो मोशन ब्लर भी ऐड कर सकते हैं, दोबारा से उसी कंपोजिशन टू में जाएंगे और यहाँ पर हम मोशन ब्लर ऐड कर लेते हैं। अब इसको हम इस पर चेक करते हैं अपनी फाइनल कंपोजिशन में, तो इस वक्त मोशन ब्लर भी ऐड है और स्पीड वाइज अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा तेज़ भी कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपका मोशन ब्लर भी इस वक्त फास्ट है। तो एक एनिमेशन हमने बनाई थी, बेसिकली 3 की फ्रेम पे हमने काम किया था रोटेशन पे और उसके बाद हमने उसको फिर एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पर लूप किया और आप देख सकते हैं कि वो लूप जितनी आपका वर्क एरिया होगा जितनी आपकी नई कंपोजिशन होगी उसी के हिसाब से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको डिफरेंट बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिस तरीके से भी आप अपने डिज़ाइन को लेके चलना चाहें आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और आगे लेक्चर्स में हम और चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे।